तो देखिए, अभी तक हमने जो टॉपिक में देखा था, मिल्क की क्या फॉर्म होती है, मिल्क का क्या कंपोजिशंस होता है, और मिल्क के अंदर जो कंपोनेंट्स होता है उनका क्या रोल होता है। अब हम आज के टॉपिक में देखेंगे मिल्क के जो टाइप्स होते हैं, ये टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, मिल्क के अंदर थोड़ा टाइप्स बोलना अजीब सा लगता है हमको, लेकिन हमें को समझने के लिए यही बोलना पड़ेगा कि मिल्क के टाइप्स क्या होते हैं। तो देखिए, मिल्क एनिमल सोर्स से मिलने, एनिमल सोर्स से मिल्क मिलता है हमको, सही बात है। तो सबसे पहली बात, मिल्क के लिए एक बोली जाती है कि किसी भी मिल्क को फसाई के हिसाब से, फसाई के अकॉर्डिंग किसी को मिल्क अगर आप बोल रहे हो तो इसका मतलब क्या है, वो क्या है, फ्री फॉर्म कोलेस्ट्रम, फ्री फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रम। ठीक है, कोलेस्ट्रम से फ्री होना चाहिए उसके अंदर, सही बात है। और दूसरा, यूरिया नॉट मोर देन 700 PPM, यूरिया उसके अंदर 700 PPM से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यूरिया 700 PPM से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये शर्त है। क्यों रखी गई भाई? थोड़े दिन पहले सुना गया था कि यूरिया से भी लोगों ने क्या कर दिया, मिल्क बनाना शुरू कर दिया, और मार्केट के अंदर यूरिया से बना बनाया दूध आना शुरू हो गया। तो इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि किसी भी दूध के अंदर 700 PPM से ज़्यादा यूरिया नहीं होना चाहिए। तो हम इन दोनों बातों के हिसाब से क्या कह सकते हैं, उसको मिल्क कह सकते हैं। ठीक है, तो मिल्क हमको जब मिलता है तो वो किस रूप में मिलता है, रॉ मिल्क। ठीक है, जब किसी एनिमल सोर्स से हम दूध को इकट्ठा करते हैं तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, रॉ मिल्क कहलाता है, यानी कि कच्चा दूध एक तरह का रॉ मटेरियल की तरह होता है। ठीक है, तो अब इस रॉ मिल्क के साथ क्या क्या हो सकता है, अब ये रॉ मिल्क कहाँ कहाँ से मिल सकता है, ये रॉ मिल्क मिल सकता है हमको किसी काऊ से मिल सकता है, किसी शिप से मिल सकता है हमको, गॉड से मिल सकता है, ठीक है, और बफेलो से मिल सकता है। ये सब क्या हो गए भाई, एनिमल सोर्स हो गए इनके, मिल्क के, सही बात है। तो इनके अंदर, सबके अंदर एनिमल सोर्स हो गए, इन सब का मिल्क होता है वो हमको रॉ मिल्क की तरह मिल जाता है। और जब हम इसको मिक्स कर लेते हैं, ध्यान रखना ये सारे टर्मिनोलॉजी फसाई के लॉ के अंदर लिखे हुए हैं, अपन अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे हैं किसी को रॉ मिल्क। इन सब के दूध को जब मिक्स कर दिया जाता है तो एक दूध का टाइप्स बनता है जिसको हम बोलते हैं मिक्स मिल्क। मिक्स मिल्क का मतलब क्या होता है, गाय भैंस भेड़ बकरी सबके दूध को इकट्ठा करके मिला दीजिए और उसको क्या बोल दीजिए, मिक्स मिल्क बोल दीजिए, बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। ठीक है, और देखा गया है जब दूध के अंदर से फैट को रिमूव कर दिया जाए, जब दूध के अंदर से फैट को रिमूव कर दिया जाए, वो भी क्या, सारी की सारी फैट को रिमूव कर दिया जाए, तो ऐसा जो मिल्क होता है वो आपका हमेशा क्या कहलाता है, स्किम मिल्क। अपनी मर्जी से बनाए हुए वर्ड नहीं है, फसाई के अंदर इन सब टर्मिनोलॉजी को फूड लॉ में लिखा गया है कि स्किम मिल्क क्या होता है, मार्केट के अंदर भी स्किम मिल्क के नाम से अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जो स्किम मिल्क होता है, तो ऑल मिल्क है, ऑल मिल्क फेट हैज़ बीन रिमूव्ड मैकेनिकली, यानी कि जो भी ये सरस डेयरी हुए या अमूल डेयरी हुए, तो यहाँ पर स्किम मिल्क तैयार करने के लिए क्या किया जाता है, ऑल फेट रिमूव। स्किम मिल्क वो होता है जिसमें सारी की सारी फेट को रिमूव किया हुआ रहता है, बिल्कुल भी क्या होती है, इसके अंदर फेट फ्री, ये कह सकते हो कि जीरो कर दिया आपने दूध के अंदर से फेट को हटा के, यूँ समझ लीजिए इस बात को। ठीक है, यानी कि लगभग क्या होती है आपकी फेट, यहाँ पर लगभग आपकी फेट क्या होती है, 0.5 से क्या हो जाती है, कम, क्योंकि किसी भी चीज़ को जीरो नहीं किया जा सकता, किसी भी चीज़ को जीरो नहीं किया जा सकता। तो आप क्या कह सकते हो, जब किसी दूध में से फेट को हटा के 0.5 से अगर आप कम कर देते हो, 0.5% से अगर आप कम कर देते हो, तो उसको आप क्या बोल दोगे, स्किम मिल्क बोल दोगे, सही बात है। तो बिल्कुल सही बात है, हमने यही किया है यहाँ पे ये काम। अब ऐसे दूध से हम क्या क्या तरह के दूध बना सकते हैं, आपने देखा होगा सरस दूध की थैली जब लेके आते हैं तो कभी वो नीले रंग की, कभी कोई पीले रंग की, कभी कोई ऑरेंज कलर की आती है ना मार्केट के अंदर, अलग अलग कलर की थैलियाँ आती है। कभी आपने सोचा है कि ये जो अलग अलग तरह की थैली या अलग अलग तरह की ये जो पैकिंग होती है, इन सब के चार्जेज भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, सही बात है। क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एफ यानी फेट कंपोनेंट और SNF सॉलिड नॉन फैट कंपोनेंट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने बताया था ना कि किसको हम फेट कहते हैं, किसको
किसको हम टोटल सोलिड कहते हैं और किसको हम SNF कहते हैं। तो हम दो चीज़ों की बात करेंगे जब भी दूध के टाइप्स की बात करेंगे, तो एक तो बात करेंगे फेट की और दूसरी बात करेंगे उसके अंदर SNF की। पानी की तो नहीं बात करेंगे ना, तो हाँ एक की बात करेंगे फेट की और दूसरी बात करेंगे हम SNF की। तो बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा जो आपका फेट स्कीम मिल्क होता है उसके अंदर जब फेट की बात करते हैं अपन, तो उसके अंदर फेट तो क्या कर दिया 0.5 से कम और SNF कितना कर देते हैं हम 8.7 SNF 8.7% कर देते हैं। सही बात है येल्लो साहब। अब दूध के जो ये टाइप्स होते हैं मार्केट के अंदर, समझ लीजिए अच्छे से, दूध के जो ये टाइप्स होते हैं आपने सुना होगा भाई डबल टॉन मिल्क आता है मार्केट में, डबल टॉन मिल्क आता है मार्केट के अंदर, सिंगल टॉन मिल्क भी आता है मार्केट के अंदर येल्लो साहब। बिल्कुल सही बात है। मार्केट के अंदर रिकॉम्बिनेंट मिल्क के नाम से भी आता है, और मार्केट के अंदर क्या आता है फ्लेवराइज मिल्क के नाम से भी आता है, यानी इसमें कोई ना कोई फ्लेवर डला हुआ आता होगा, नाम से भी पता चल रहा है अपने को, ठीक है ना, फ्लेवराइज मिल्क। या मार्केट के अंदर क्या आ सकते हैं, इसको आप पहले स्टैंडराइज कर लीजिए, फ्लेवराइज को हम अलग से पढ़ लेंगे, स्टैंडराइज मिल्क कर लीजिए येल्लो। ये दूध के अलग अलग क्या हो गए यहाँ पे टाइप्स हो गए। सही बात है। तो हमने पहली बात क्या बोला, दूध के जितने भी जो अलग अलग टाइप्स की है जो मार्केट के अंदर पैकिंग आती है इसके अंदर किसका फर्क होता है एफ और SNF का, यानी फेट और SNF का यहाँ पे क्या होता है फर्क होता है। तो इस फर्क को अब देखिए अब कैसे समझ सकते हैं, जब आप डबल टॉन मिल्क की बात करें अपन, डबल टॉन मिल्क की बात करें तो यहाँ पर फेट कितनी मानोगे आप 1.5%, और जब आप इसमें सिंगल टॉन मिल्क की बात करोगे तो यहाँ पर फेट किसको मानोगे आप 3.0%। इसी तरह से जो आपका रिकॉम्बिनेंट मिल्क है, रिकॉम्बिनेंट मिल्क का मतलब क्या वो अभी समझाएंगे, पहले आप ये देख लो कि रिकॉम्बिनेंट मिल्क के अंदर फेट कंपोजिशन कितना माना गया है, तो इसके अंदर भी फेट माना गया है 3.0%, ठीक है। और लास्ट में आपका आ जाता है स्टैंडराइज मिल्क। स्टैंडराइज मिल्क है तो जाहिर सी बात है भाई जो स्टैंडर्ड होगा वो कोई मामूली चीज़ तो है नहीं है, तो फेट क्या होती है यहाँ पर इसके अंदर 4.5% येल्लो साहब। एग्जाम में बहुत बार आपको फसाई के जो पेपर्स वगैरह हुए हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर के, उनमें आपको ये डबल टॉन सिंगल टॉन पे बहुत बार क्वेश्चंस किए हुए मिल जाएंगे आपको। तो ये तो क्या था इसका फेट कंपोनेंट हो गया। अब भाई दूध आपको मिलता किस रूप में, भाई रॉ मिल्क के रूप में। दूध कैसा मिलता है आपको, रॉ मिल्क के अंदर रूप में मिलता है। लेकिन आपने यहाँ पर तो दूध के लिए अलग अलग एनिमल सोर्स होते हैं, लेकिन आपको डबल टॉन जब सिंगल टॉन रिकॉम्बिनेंट मिल गए तो इसके अंदर फेट को कैटेगराइज कर रखा है कि इतना परसेंट फेट आपका डबल टॉन का, इतना सिंगल टॉन का, इतना स्टैंडर्ड मिल्क का आपका। सही बात है। अब बात करते हैं अगली चीज़ जो अपने लिए इम्पॉर्टेंट है, SNF, ठीक है। SNF की बात करें तो आपका डबल टॉन मिल्क का SNF कितना होता है 9%, सिंगल टॉन मिल्क का SNF की बात करें तो ये कितना होता है आपका 8.5%, और इधर SNF की बात करें अपन तो ये भी कितना होता है आपका 8.5%, और इधर SNF कितना हो गया आपका 8.5% येल्लो साहब। तो कहीं ना कहीं आपको ये वैल्यूज़ क्या होते हैं थोड़े बहुत आपको पता होना चाहिए लगभग, कि जैसे आपको पूछ लिया जाए कि भाई डबल टॉन का SNF कितना होता है 9.0 होते हैं, सही बात है। इधर इनकी बात करें स्टैंडर्ड मिल्क की कितनी होती है 4.5% क्या होती है आपकी फेट होती है। तो ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए, डबल टॉन सिंगल टॉन रिकॉम्बिनेंट मिल्क और स्टैंडराइज मिल्क। स्टैंडराइज मिल्क माना गया है फसाई के हिसाब से जिस मिल्क के अंदर ये कंपोजिशन होता है फेट और SNF का, उसको हम क्या बोलते हैं स्टैंडराइज मिल्क बोलते हैं। रिकॉम्बिनेंट मिल्क के लिए क्या करते हैं, अब आप क्या करते हो कोई भी आप एनहाइड्रस मिल्क फेट ले लीजिए, कोई भी एनहाइड्रस या ड्राई फेट ले लीजिए, ये लो ड्राई मिल्क फेट ले लिया आपने, और आपने जो स्किम मिल्क था, स्किम मिल्क कैसा होता है भाई आपका, उसके अंदर तो कोई फेट होता ही नहीं है, तो इधर से आप क्या कर लेते हो स्किम मिल्क का एक पाउडर ले लेते हो येल्लो। बिल्कुल सही बात है। आपने एक तो पाउडर ले लिया फेट फ्री पाउडर, और दूसरी तरफ पाउडर ले लिया किसका ड्राई मिल्क फेट का। अब इधर से तो फेट मिल गई, इधर से आपको क्या मिल गया बाकी का SNF मिल गया, और इसके साथ में क्या मिला दिया पानी मिला दिया वाटर येल्लो साहब, क्या मिला दिया आपको
पानी मिला दिया येल्लो साहब, और क्या बन गया आपका, रिकॉम्बिनेंट मिल्क बन गया। तो ये दूध का क्या बन गया, एक टाइप्स बन गया, ठीक है। तो अब इस तरह से रिकॉम्बिनेंट मिल्क, ये सब मिल्क क्या होते हैं आपके, तैयार किए जाते हैं। कई बार या कुछ बार क्या हुआ, इनके भी क्या पूछ लिए गए हैं कि भाई काऊ शिप या गोट या बफेलो के क्या क्या SNF और फेट वैल्यू होती है। अब ऑल ओवर इंडिया के अंदर सभी गाय भैंस भेड़ बकरियां तो एक जैसी होगी नहीं, हर स्टेट के हिसाब से इन सब का वैल्यूज़ भी क्या कर रखा है, फसाई ने अलग अलग कर रखा है, ठीक है। 2011 के अंदर कुछ अलग वैल्यूज़ थे और 2017 में थोड़ा बहुत इनमें चेंजेज किया गया है। तो अपन जो वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा राजस्थान के रेस्पेक्ट में अगर बात करें, ठीक है। बाकी राजस्थान के रेस्पेक्ट में अगर बात करें, जैसे कि काऊ वगैरह की अगर बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर अगर बात कर दी जाए, जैसे भाई कि यहाँ पर फेट और SNF क्या हो सकता है, फेट और SNF की बात करें तो देखिए, फेट और SNF की बात करते हैं, अब जो कर दिया गया इसके अंदर 3.2, और SNF कितना कर दिया गया है, 8.3 कर दिया गया है। किसके केस में भाई, काऊ के रेस्पेक्ट में। इसी तरह से शिप और गोट के रेस्पेक्ट में, शिप और गोट के रेस्पेक्ट में ये वैल्यूज को कितना कर दिया गया है, फेट को 3.5 कर दिया गया है और SNF को कितना रख दिया गया है, 9.0 कर दिया गया है। अब बफेलो तो अच्छे से जानते हैं कि भैंस के दूध या बफेलो के मिल्क के अंदर क्या होता है, फेट क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है। और एस तो यहाँ पर क्या होती है, आपकी फेट बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 5.0 के आसपास आपकी दूध की फेट मानी गई है, और ये 9.0 आपका SNF वैल्यू रखा गया है। तो थोड़ा सा आपको ये जो वैल्यूज है 2017 के रेस्पेक्ट में दिए हुए हैं, रूल्स में कुछ चेंजेज किए गए थे, तो उन वैल्यूज़ को यहाँ पर हमने बताया गया। अब देखिए, थोड़ा सा ये वैल्यूज ज़्यादा तो लग रहे हैं आपको, लेकिन जब अपन इनको एक या दो बार जब हम देखते हैं तो हमको लगभग एक रफली आइडिया होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा क्या कर लिया, फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसको कैटेगराइज कर लिया, जिससे कि हमको दूध के इस तरह के कंपोजिशन को समझा जा सके। अब आगे चल के हम इन सब के बारे में भी थोड़ा सा और देखेंगे कि स्किम मिल्क पाउडर, स्किम मिल्क कैसे तैयार होता है, स्किम मिल्क के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारा इस चार्ट को बनाने का पर्पज यही है कि दूध में से आपका दो एक क्वेश्चन ये बनता है कि कितना फेट होता है और कितना उसके अंदर SNF होता है, ठीक है। तो अगर ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम देख लेंगे इसको, तो हम इजीली इसको याद करना संभव है, ठीक है। अब दूध के जिस तरह से हमने ये इस तरह के टाइप्स देखे हैं, इसके अलावा भी दूध के टाइप्स कह दीजिए, दूध के जो अलग तरह के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में भी हमने नाम सुने हैं। जैसे इंडस्ट्री लेवल पे जैसे बात की जाती है कि एवोपरेटेड मिल्क, कॉन्सनट्रेटेड मिल्क, होमोजिनाइज मिल्क, तो इनको भी थोड़ा सा हमको समझना चाहिए कि भाई कि इनके रियल मायने में मतलब क्या है। तो कोई भी जो मिल्क होता है, इस मिल्क का जब हम बात करते हैं, जैसे होमोजिनाइजेशन ऑफ मिल्क, होमोजिनाइजेशन ऑफ मिल्क, तो सबसे पहले बात दिमाग में आती है कि ऐसा क्यों करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं ना होमोजिनाइज मिल्क। तो होमोजिनाइजेशन ऑफ मिल्क का रियल में मतलब क्या होगा यहाँ पे, तो अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात ये होती है कि होमोजिनाइजेशन इसलिए किया जाता है कि दूध को जब डेयरी वाले इकट्ठा करते हैं, दूध को जब डेयरी वाले अलग अलग गाँव से इकट्ठा करके लाया जाता है, तो होमोजिनाइजेशन करने का एक पर्पज ये रहता है कि दूध के अंदर फेज सेपरेशन नहीं हो। क्योंकि दूध को जब आप रख देते हो, दूध को जब आप लो टेम्परेचर पे आप रख देते हो, तो दूध के ऊपर क्या होती है, क्रीम बनना शुरू हो जाती है, दूध में क्या होती है, क्रीमिंग होना शुरू हो जाती है। और जिससे क्या हो जाता है कि क्रीमिंग शुरू, एक बार दूध में जब क्रीमिंग शुरू हो जाती है इस तरह से लो टेम्परेचर के ऊपर, तो दूध में क्या होता है, ऑयल एंड वाटर फेज का सेपरेशन होना शुरू हो सकता है। इस वजह से दूध का क्या कर लिया जाता है, होमोजिनाइजेशन कर लिया जाता है। तो ऐसा जब दूध जिसका होमोजिनाइजेशन कर लिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजिनाइज मिल्क बोल देते हैं। तो यहाँ पर हमारा पर्पज क्या रहेगा कि ऐसा जो होमोजिनाइजेशन ऑफ मिल्क होता है, तो इसमें रियल में किया जाता है यहाँ पर कि जो भी बड़े फेट ग्लोब्यूल्स होते हैं, जो बड़ा फेट ग्लोब्यूल्स होता है, उन बड़े फेट ग्लोब्यूल्स को क्या कर लिया जाता है, सब डिवाइड कर लिया जाता है। बड़े फेट ग्लोब्यूल्स को होमोजिनाइज करके सब डिवाइड कर लिया जाता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ फेट ग्लोब्यूल्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। येलो साहब, नंबर ऑफ फेट ग्लोब्यूल्स
बढ़ गए आफ्टर होमोजिनाइजेशन। तो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैटी ग्लोब्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन कर लिया जाता है, तो ये क्या होता है आपका होमोजिनाइजेशन होता है। तो इस प्रक्रिया के अंदर इस करने का पर्पज या उद्देश्य क्या होता है, इसका जो पर्पज या उद्देश्य ये होता है हमारा कि कैसे भी करके यहाँ पर क्रीमिंग को रोका जाए, टू प्रिवेंट क्रीमिंग, जिससे क्या वो दूध की स्टेबिलिटी बढ़ सके, जो भी मिल्क है वो लंबे टाइम तक इंडस्ट्री के अंदर स्टेबल रह सके। इसी तरह से दूध का जो कंपोजिशन है, क्योंकि क्रीमिंग रुकेगी तो उससे मेंटेन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, दूध का कंपोजिशन हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा, क्योंकि दूध में इतने सारे कंपोनेंट मौजूद होते हैं तो वो सारे यूनिफॉर्मली वो कंपोनेंट आपके हमेशा मौजूद रहे, तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगा आफ्टर होमोजिनाइजेशन। देन इसके बाद आ जाता है कि जो आपका ऑयल एंड वाटर इमल्सन था वो कैसा हो जाएगा, परमानेंट रहेगा, क्योंकि आपको पता है दूध में जब क्रीमिंग शुरू होती है तो वो क्रीमिंग की वजह से क्या हो जाता है, फेज सेपरेशन यानी ऑयल और वाटर सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो अपन चाहते हैं कि होमोजिनाइजेशन करके क्या कर दें, उस क्रीमिंग को ख़त्म कर दें, उसके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन मेंटेन रहना चाहिए और इमल्सन कैसा हो जाना चाहिए दूध का, ऑयल वाटर इमल्सन हमेशा स्टेबल रहना चाहिए, यही चाहते हैं हमेशा, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा जो होमोजिनाइज मिल्क होता है, तो होमोजेनाइज मिल्क के अगर कैरेक्टर्स की बात करें, होमोजेनाइज मिल्क की अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें, तो होमोजेनाइज मिल्क वो होता है जिसके अंदर कोई किसी तरह की क्रीमिंग नहीं दिखाई देगी आपको। जैसे अपन अपना दूध लाते हैं उसके अंदर आपको क्या दिखाई दे जाती है, बाद में क्रीम बनना शुरू हो जाती है, तो ऐसा होमोजेनाइज मिल्क के केस में नहीं होता है, कोई किसी तरह की क्रीमिंग नहीं होती। और थोड़ा सा दिखने में कैसा होता है होमोजेनाइज मिल्क, वाइटर मिल्क होता है अपना, जो अपन जो दूध लाते हैं उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा इसमें क्या आ जाती है, शाइनिंग हो जाती है। कारण भी ये बड़े फैट ग्लोब्यूल्स जब छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में टूटते हैं तो थोड़ा सा वाइटनेस आ जाती है दूध के अंदर, और थोड़ा सा दूध क्या होता है पीने में भी अच्छा फील होता है, यानी कि मोर ब्लेंडी, तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है मोर ब्लेंड। तो ये क्या होते हैं होमोजिनाइज मिल्क के टाइप्स होते हैं। तो जब कभी आपसे पूछ लिया जाए कि नो क्रीमिंग वाइटर मिल्क और आपका मोर ब्लेंड मिल्क, इस तरह का मिल्क कौन सा होगा, आपका होमोजिनाइज मिल्क होगा। तो होमोजिनाइज मिल्क की पहचान है, इसके बारे में थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए। इसी तरह से जब हम बात करें होमोजिनाइज मिल्क की बात करी आपने, अगेन आप बात कर सकते हो यहाँ पर किसकी, अपन बात कर सकते हैं मिल्क का एक टाइप्स और हो सकता है, एवोपरेटेड मिल्क या कंसनट्रेट मिल्क, एवोपरेटेड मिल्क या कंसनट्रेट मिल्क। तो देखिए नाम से ही पता लग रहा है कि एवोपरेटेड मिल्क या जो कंसनट्रेट मिल्क होता है, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं कंडेंस मिल्क भी बोल सकते हैं, ये अब अच्छे से पता है कि यहाँ पर दूध का क्या कर दिया, टेम्परेचर देके एवोपरेशन कर दिया, उसके अंदर से कुछ ना कुछ क्या कर दिया आपने, वाटर का रिमूवल कर दिया। तो ये भी एवोपरेटेड मिल्क कैसा होता है, स्टरलाइज होता है, और एवोपरेट करोगे तो कैसा हो जाएगा, कंसनट्रेट होगा, और कैसा होता है होमोजिनाइज किया हुआ रहता है। होमोजिनाइज किस लिए किया जाता है भाई, इसके अंदर कोई किसी तरह की क्रीमिंग नहीं हो, इसलिए इसका क्या कर दिया जाता है, होमोजिनाइज कर दिया जा सकता है। फायदा क्या होता है भाई, इसको रेफ्रिजरेट करने की जरूरत है, कैन बी कैप्ट रखा जा सकता है विथाउट रेफ्रिजरेशन, बिना रेफ्रिजरेटर के कौन से मिल्क को लंबे टाइम तक रखा जा सकता है, तो वो मिल्क कौन सा होता है आपका, एवोपरेटेड मिल्क या कंडेंस मिल्क होता है, जिसको आप लंबे टाइम तक बिना रेफ्रिजरेशन के भी आप रख सकते हैं। तो इसकी सेल्फ लाइफ क्या हो गई भाई, लॉन्ग शेल्फ लाइफ, ध्यान रखना जब कभी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कौन से मिल्क का टाइप्स होता है जिसकी शेल्फ लाइफ लॉन्ग होती है, तो वो आपका कौन सा हो सकता है, एवोप्रेस आपका एवोपरेटेड मिल्क या कंडेंस मिल्क हो सकता है। तो इसके कुछ अपने आप में तरीके होते हैं कि पहले स्टेप्स होते हैं, एग्जाम में आपसे कोई पूछेगा भी नहीं कैसे क्या बनता है, पहले इसकी प्रीटिंग होती है, फिर इसके बाद में प्रीटिंग करके इसका क्या कर दिया जाता है, कॉन्सनट्रेट कर दिया जाता है, दूध को एवोपरेट कराया जाता है, एवोपरेट कराने के बाद में दूध को क्या कर दिया जाता है, होमोजिनाइज कर दिया जाता है, इसीलिए इस दूध को क्या बोल दिया आपने, कंसनट्रेट होमोजिनाइज
मिल्क बोल दिया, और इसके अंदर क्या डाल दिए जाते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट। ध्यान रखना, एवोपरेटेड मिल्क के अंदर स्टेबलाइजिंग एजेंट कौन सा डला हुआ हो सकता है, NH2 NaH2PO4। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको हम कवर करने की हमेशा कोशिश करेंगे। तो NaH2PO4 डाला हुआ रहेगा इसके अंदर, जिसकी वजह से वो हमेशा स्टेबलाइजिंग एजेंट के रूप में हमेशा वो काम करता रहेगा, ठीक है। और दूसरा, ऐसे मिल्क को, एवोपरेटेड मिल्क को जब पैकेजिंग की जाएगी, तो इसकी पैकेजिंग किसके अंदर की जाती है, कैन के अंदर। कैन आते हैं ना डब्बे, डिब्बा बंद कैन, ऐसे जो डिब्बा बंद वाले आते हैं उनके अंदर जो मिल्क आता है वो कैसा मिल्क हो सकता है, एवोपरेटेड मिल्क या कंडेंस मिल्क होता है, स्टरलाइज होता है, कंसनट्रेट होता है, होमोजिनाइज होता है। ऐसा मिल्क हमेशा आप कैसे वाला होता है, आपका पैकेजिंग होती है इसकी हमेशा कैसी होती है आपकी, भाई कैन की पैकेजिंग की फॉर्म में रहते हैं, स्टरलाइज फॉर्म के अंदर हमेशा मौजूद रहते हैं, ठीक है। और इसको इसको पास्चुराइज कर, या ये कह सकते हो आपने स्टरलाइज किया ना आपने, तो कौन सी टेक्नोलॉजी से इसका स्टरलाइजेशन कर सकते हो आप, बोटल स्टरलाइजेशन। क्योंकि कैन कैसा हो गया आपका, एक तरह का बोटल जैसा ही हो गया, एक तरह से बोटल ही हो गई आपकी कैन, तो बोटल स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। और दूसरा इसका क्या करते हैं, UHT, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर स्टरिलाइजेशन। तो देखिए कमाल की बात यह है, क्योंकि हम दूध के बारे में ज़्यादातर यही सुनते हैं, पास्चुराइजेशन, बिल्कुल सही बात है। जो हमारा थैली वाला दूध आता है उसके ऊपर लिखा हुआ आता है पास्चुराइज मिल्क, यानी पास्चुराइजेशन। आगे टॉपिक में समझेंगे पास्चुराइजेशन स्टरलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका स्टरलाइज होता है वो स्टरलाइज मिल्क कौन सा होता है, जो ये सारे तो कैसे मिलते हैं आपके, पास्चुराइज मिल्क है, जबकि आपका एवोपरेटेड मिल्क या कंडेंस मिल्क होता है वो कैसा होता है आपका, स्टरलाइज मिल्क होता है। कैन फॉर्म में उसको क्या कर देते हैं, पैक कर देते हैं, बिल्कुल सही बात है। हाँ तो देखिए, अब जैसे दूध के अंदर अपन ने मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट के अंदर अपन मिल्क की बात कर रहे थे, अब मिल्क के ऊपर बेस्ड जो अदर प्रोडक्ट होते हैं, मिल्क के कुछ अदर मिल्क प्रोडक्ट होते हैं। अदर मिल्क प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया भाई, दही और घी। दूध के क्या बनते हैं, दूध से दही बनता है और घी बनता है, तो वो कौन सी कैटेगरी में चले गए, अदर मिल्क प्रोडक्ट, है ना। वो डबल टोन, सिंगल टोन, एवोपरेटेड मिल्क, होमोजिनाइज मिल्क, ये तो सीधे सीधे क्या थे आपके, होमो दूध के मिल्क प्रोडक्ट थे। लेकिन अदर मिल्क प्रोडक्ट के अंदर कौन आ जाते हैं आपके, क्रीम आ जाती है, बटर आ जाती है, घी आ जाता है, ठीक है। ये सब अदर मिल्क प्रोडक्ट की कैटेगरी के अंदर इनको कंबाइन किया जाता है। तो अदर मिल्क प्रोडक्ट के अंदर जैसे अब बात करते हैं अपन मिल्क, तो अच्छे से जानते हैं कि दूध क्या होता है, ऑयल एंड वाटर इमल्सन। दूध क्या होता है, ऑयल एंड वाटर इमल्सन। अब इस दूध के ऑयल एंड वाटर इमल्सन में से, इसमें से क्या निकाल ली जाती है, क्रीम। क्या निकाल ली जाती है यहाँ पर, क्रीम। और जब इस क्रीम से या आपके इस दूध से जब आप क्या निकालते हो, इससे बटर, तो जो आप बटर निकालते हो वो क्या होता है, वाटर एंड ऑयल इमल्सन। वाटर एंड ऑयल इमल्सन होता है आपका, कौन भाई, बटर, येल्लो जी। तो ध्यान रखना, दूध आपका कैसा होता है, आपका जो मिल्क होता है हमेशा ऑयल एंड वाटर मिल्क इमल्सन होता है, और क्रीम भी कैसी होती है, ऑयल एंड वाटर होती है, जबकि आपका बटर कैसा होता है, वाटर एंड ऑयल इमल्सन। तो भाई आपको क्या करना पड़ता है घर के अंदर, जब कभी आपको दूध से बटर निकालना हो तो आपका उसको क्या करना पड़ेगा, ऑयल एंड वाटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा वाटर एंड ऑयल प्रिपरेशन के अंदर, तब जाके आप बोलोगे कि आपको मिलने वाली प्रिपरेशंस क्या कहलाएगी, आपको हमेशा बटर कहलाएगी, सही बात है। तो अब की बार क्या होता है, यहाँ पर वाटर एंड ऑयल
इसके अंदर क्या होता है कि ऑयली फेज हमेशा क्या होती है, कंटिन्यूअस फेज होती है आपकी। यहाँ पर इस वाटर एंड ऑयल का इसका मतलब ही क्या होता है, वाटर इन ऑयल, हमेशा इसका मतलब होता है भाई वाटर इन ऑयल। तो ऑयल हमेशा कैसी फेज होती है, कंटिन्यूअस फेज होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बटर के अंदर क्या होती है, बिल्कुल चिकनाहट ही चिकनाहट होती है। तो वो चिकनाहट किसकी वजह से है, आपकी इस ऑयल की कंटिन्यूअस फेज होने की वजह से हमेशा हमको एक चिकनाहट दिखाई देती है। अब बटर की जब हम पीएच की बात करते हैं, जैसे हमने दूध की पीएच की बात की थी, कितनी 6.5 से लेके 6.7 की थी बात, वैसे ही यहाँ पर बटर की जो पीएच की बात करोगे तो ये लगभग कितनी होती है, 6.4 से लेके 6.5 की जो पीएच होती है वो किसकी होती है, बटर की पीएच होती है। इस बटर में से ही आगे चलकर आप क्या बना लेते हो, घी, जिसको आप बोलते हो ना देसी घी बना लिया भाई अपने। बटर में से आपने क्या कर लिया, घी बना लिया। कैसे बना लिया घी, क्योंकि आपने से इसमें से क्या अलग कर दी, मॉइस्चर। आपने इसमें से क्या रिमूव कर दी, मॉइस्चर। करते हैं ना भाई ऐसा घर पे, जब मम्मी घी बनाती है तो यही करती है हमेशा। सही बात है। तो भाई क्या होता है, पहले बटर अलग किया जाता है, फिर उस बटर में से क्या अलग कर लिया जाता है, मॉइस्चर को अलग करके उसमें से घी तैयार कर लिया जाता है। ठीक है, तो जो भी आपका बटर वगैरह होता है, जो भी ये बटर वगैरह होता है, तो अगर बटर की बात करें अपन, तो लगभग अगर बटर के अंदर फेट की बात करें, तो बटर के अंदर फेट होता है लगभग कैसा होता है, 80% तक क्या होता है, लगभग फेट होता है। मॉइस्चर की बात करें बटर के अंदर, अगर मॉइस्चर की बात करें तो लगभग 17% के आसपास, 70% के आसपास क्या होता है, बटर में मॉइस्चर मौजूद होती है। ठीक है, तो अब क्या रहता है बटर का जो ये कंपोजिशन, क्योंकि अब थोड़ा सा हम किसकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमने दूध को समझा है, तो हम थोड़ा सा किधर की तरफ बढ़ रहे हैं, बटर की तरफ बढ़ रहे हैं, कि बटर वगैरह भी अपने आप में क्या होता है। तो यहाँ पर आपने क्या कह दिया, बटर के लिए वाटर इन ऑयल प्रिपरेशन, बटर की पीएच बता दी, बटर से क्या तैयार किया जाता है, घी तैयार किया जाता है। तो मॉइस्चर को वहाँ पर क्या कर देते हैं, अपन रिमूव कर देते हैं। तो बटर का जब बात करते हैं, तो बटर की जब यहाँ पे बात करते हैं, तो बटर के भी देखो क्या टाइप्स हो सकते हैं। बटर के भी टाइप्स में ये हो सकता है कि आपका जो ये बटर है ये कैसा हो, स्वीट क्रीम बटर। स्वीट क्रीम बटर, यानी कि थोड़ा सा जब आप बटर को जब बना रहे हो घर पे और थोड़ा सा आप चख रहे हो, तो वो कैसा फील हो सकता है, स्वीट क्रीम बटर जैसा हो सकता है। तो अपन जो घर पे जो अपना बटर होता है, वो एक तरह का कौन सी कैटेगरी का हो सकता है भाई, स्वीट क्रीम बटर हो सकता है। और ये कैसा बटर कहलाता है, इसका नाम है भाई दूसरा भी, अनफर्मेंटेड बटर। समझाएंगे अभी इसका मतलब क्या है, अनफर्मेंटेड बटर या अनराइपन बटर। देखिए क्या होता है, आपने चीज का नाम सुना है, चीज है ना, चीज दूध से ही बनता है। तो चीज भी दो तरह के चीज आते हैं, एक तो क्या आता है आपका बिल्कुल फ्रेश चीज होता है, जिसको आप डायरेक्ट दूध से तैयार करके चीज आता है, उसको आपने यूटिलाइज कर लिया, खा लिया। कुछ चीज ऐसे होते हैं जिनका बहुत लंबे टाइम तक उनका इंडस्ट्री क्या करवाती रहती है, फर्मेंटेशन करवा देती रहती है। फर्मेंटेशन करवाना कोई बुरी बात नहीं है, फर्मेंटेशन इसलिए करवाते हैं कि जो भी कोई फूड प्रोडक्ट तैयार किया जाता है फर्मेंटेशन से, तो उसमें एक अच्छा टेस्ट, अच्छा फ्लेवर उसको क्रिएट करने के लिए हमेशा क्या किया कर देते हैं, उसमें फर्मेंटेशन करवा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि उस फूड प्रोडक्ट की एक तो क्या होती है, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है फर्मेंटेशन के बाद। क्यों बढ़ती है, वो पूरा फूड प्रिजर्वेशन का पार्ट है। और दूसरा साथ में क्या रहता है, उस फर्मेंटेशन की वजह से कुछ ऐसे फ्लेवर टेस्ट जनरेट होते हैं जो उस फूड प्रोडक्ट की डिजायरेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर किसके केस में किया जाता है, स्वीट राइप क्रीम बटर। और दूसरा आपका कौन सा आ जाता है यहाँ पर, आपका राइपन क्रीम बटर, जिसको आप फर्मेंटेड बटर का नाम भी दे सकते हो। तो पहली बात है कि पेपर वगैरह में जब ये नाम लिखे हुए आ जाए, तो इनके मतलब समझ में आ जाना चाहिए, कि राइपन क्रीम बटर का मतलब वो कौन से वाले की बात कर रहा है, फर्मेंटेड बटर की बात कर रहा है वो आपके सामने, येलो साहब फर्मेंटेड बटर की बात कर रहा है। अब जैसा कि हमने कहा कि जो भी फर्मेंटेड बटर होता है
तो वहां पर क्या रहता है कि इनके अंदर हमेशा क्या रहता है, एक टेस्ट क्रिएट होता है इनमें, हमेशा एक क्या होता है टेस्ट क्रिएट होता है। किसकी वजह से वो टेस्ट क्रिएट होता है, इनके अंदर कुछ केमिकल्स बन जाते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं जो उस बटर के अंदर एक अच्छा सा टेस्ट को क्रिएट कर देते हैं। इंडस्ट्री लेवल पे किया जाता है काम, हम घर पे नहीं करते फर्मेंटेशन वाला काम। मम्मी ने जो बटर बनाया वो सिंपल बटर होता है, जबकि इंडस्ट्री लेवल पे ऐसे बटर आपके कैसे होते हैं, आपके फर्मेंटेड राइपन क्रीम बटर या फर्मेंटेड बटर होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं कोई अच्छा सा फ्लेवर, तो उसमें कंपाउंड बन जाते हैं कुछ स्पेशल टाइप के। और ये एग्जाम में पूछे गए हैं भाई, एसीटोइन बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, एसीटोइन और डाई एसिटाइल, ये क्या करते हैं उसके अंदर फ्लेवर क्रिएट करने का काम करते हैं। अगर इन दोनों से में से भी पूछा जाए ज्यादा फ्लेवर क्रिएट करने का काम कौन करता है, आपका डाई एसिटाइल। दोनों ही फ्लेवर इंड्यूस करने का काम करता है, लेकिन जब ज्यादा की बात आती है तो ज्यादा फ्लेवर प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है, आपका डाई एसिटाइल करता है। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से आपको बटर को भी अगर आपको कभी कैटेगराइज करके पूछ लिया जाए तो एटलीस्ट अपने को इतना तो पता होना चाहिए कि फर्मेंटेड बटर क्या होता है और अनफर्मेंटेड बटर क्या होता है। फर्मेंटेड बटर की खास बात क्या होती है, क्योंकि उसमें अच्छे फ्लेवर को इंड्यूस करने के लिए फर्मेंटेशन करवाया जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए फर्मेंटेशन करवाया जाता है। तो एसीटोन और डाई एसिटाइल जैसे जो कंपाउंड्स बनते हैं वो उसमें क्या करते हैं, एक अच्छा सा फ्लेवर क्रिएट करने का काम कर देते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है जब फर्मेंटेशन की बात आ रही है तो बैक्टीरिया का नाम भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आने वाला है, बैक्टीरिया का नाम भी कहीं ना कहीं आने वाला है कि ऐसे कौन से बैक्टीरियाज हो सकते हैं, ऐसे कौन से बैक्टीरियाज हो सकते हैं जो इस तरह का फर्मेंटेशन कराने का काम कर सकते हैं, जो इस तरह के कंपाउंड को डेवलप कर सकते हैं। तो देखिए अगर अब बात करें अपन, तो ऐसे जो बैक्टीरियाज होते हैं तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि इनके अंदर क्या होता है कि जो राइपन क्रीम बटर होते हैं, तो यहाँ पर दो टाइप के बैक्टीरियाज हो सकते हैं। देखिए एसिड प्रोड्यूसर, समझिए बात को इनके मतलब क्या है, और एरोमा प्रोड्यूसर, क्योंकि फर्मेंटेशन का दो पर्पज रहता है हमेशा। फर्मेंटेशन करवाया जाता है बैक्टीरियाज के साथ, क्यों करवाया जाता है, उस फूड प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। बटर की स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो फर्मेंटेशन करवाना है, बटर में कोई अच्छा फ्लेवर क्रिएट करना है तो फर्मेंटेशन कराना है। तो फ्लेवर का मतलब एरोमा और एसिड प्रोड्यूसर का मतलब हुआ उसकी एसिडिटी से, यानी यहाँ पर एसिड प्रोड्यूसर के अंदर कौन से वाले आ गए, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करना, कि अगर फर्मेंटेशन होगा और उस बटर में एक बार लैक्टिक एसिड बन जाएगा तो लैक्टिक एसिड फूड प्रिजर्वेशन का काम करता है, उसको खराब होने से रोकता है। तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जो एसिड प्रोड्यूसर होते हैं तो वो बैक्टीरियाज के नाम क्या हो सकते हैं, लैक्टोकोकस, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं लैक्टोकोकस, लैक्टोकोकस क्रीमोरिस, लैक्टोकोकस क्रीमोरिस और लैक्टोकोकस लैक्टिस। आसान से नाम है, ज्यादा कोई टफ नाम नहीं है, लेकिन काम क्या है इनका, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करना। इसी तरह से आपके एरोमा प्रोड्यूसर के अंदर वो ये सेम लैक्टोकोकस डाई एसिटाइलिकस, डाई एसिटाइलोकोकस, येल्लो साहब। तो ये आपका हमेशा क्या करेगा कि इस तरह के एरोमा प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, एरोमा प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज होते हैं जो ये एरोमा प्रोड्यूस करने का काम करेगा। और ये वाला जो आपका एरोमा प्रोड्यूसर होता है ये क्या होता है, योगर्ट, योगर्ट के बारे में अब आगे चल के बताएंगे। योगर्ट क्या होता है, दूध का ही एक प्रोडक्ट होता है, बाजार में योगर्ट के नाम से मिलता है, एक तरह से कह सकते हो फर्मेंटेड, फर्मेंटेड होता है आपका दही है आपका योगर्ट, ठीक है। तो ये एरोमा प्रोड्यूसर होता है, योगर्ट लाइक फ्लेवर, इस तरह की इसके अंदर खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा एसिड प्रोड्यूसर होता है, कौन सा एरोमा प्रोड्यूसर होता है, पता होगा तो अपन आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या रहता है कि भाई अब अपने को यहाँ पर बटर बनाने की प्रक्रिया वगैरह नहीं पूछी जाती है एग्जाम में, आप सोचो कि बटर बनाने का प्रोसीजर ही पूरे का पूरा पूछना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी हमारी यहाँ पर कि हमने देखा कि जो क्या था अदर मिल्क प्रोडक्ट के अंदर, हमने बात किससे स्टार्ट करी भाई, क्रीम से स्टार्ट कर ली बात, फिर उसके बाद हमने बात किससे कर ली भाई, हमने यहाँ पे बटर से बात कर ली कि बटर वगैरह जो
क्या होता है जिसके अंदर बटर में अपने स्वीट क्रीम बटर और राइपन क्रीम बटर, फर्मेंटेड बटर क्यों बनते हैं भाई? क्योंकि वहाँ पर दो तरह के होते हैं, एसिड प्रोड्यूसर होता है और दूसरा कौन सा होता है आपका, एरोमा प्रोड्यूसर होते हैं। बराबर बात है। आ जाइए अब इसके बाद में, थोड़ा सा बटर को और हम कैसे देख सकते हैं? देखिए ये नाम है जो पेपर वगैरह में पूछ लिए जाते हैं, अगर आपको कभी ऐसे पूछ लिया जाए भाई, पहली बात ये जो बटर की बात कर रही है, जैसे पीएच की बात हमने करी थी ना, 6.4 से 6.5 वाटर एंड ऑयल प्रिपरेशन होती है, इसी तरह से आपसे कभी ऐसे पूछ लिया जाए सॉल्टेड बटर, तो आप क्या करोगे भाई? आप तो सोच दोगे भाई सर ने तो दो ही बताए थे, स्वीट क्रीम बटर बताया था, दूसरा आपका राइपन क्रीम बटर बताया था, अब ये सॉल्टेड क्रीम सॉल्टेड बटर क्या आ गया आपका? कुछ ही नहीं होता। क्या करते हैं, थोड़ा सा जब कभी सॉल्ट ऐड कर दिया जाता है तो उससे क्या होता है, उसकी बटर की स्टेबिलिटी, अगर आप घर में भी कर सकते हो ये काम, घर में अगर बटर में आप थोड़ा सा उसमें अगर आप नमक डाल देते हो हल्का सा, तो उसकी बटर की क्या हो जाएगी, कीपिंग क्वालिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, इम्प्रूव्ड कीपिंग, यानी थोड़े लंबे टाइम तक आपका बटर रहेगा, ख़राब होने के चांसेस थोड़े से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है, जब बटर की कीपिंग क्वालिटी को बढ़ाना हो तो वो बटर कैसा कर दिया जाए, सॉल्टेड कर दिया जाए, उसके अंदर कोई सॉल्ट ऐड कर दिया जाए, ठीक है। और दूसरा होता है आपका अनसॉल्टेड बटर, तो ऐसा तो हम करते नहीं है भाई घर में, घर में कभी ऐसा करते हैं अपन, साल्ट ऐड करते हैं बटर में, नहीं करते ना? क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमको पता है कि ये जो अनसॉल्टेड बटर होता है यूज आने वाला है आगे, यूज फॉर मेकिंग घी, यूज फॉर मेकिंग घी बनाने के अंदर इसका काम में आने वाला है, एंड बटर ऑयल, कोई बटर का कोई ऑयल बनाना हो, बटर ऑयल बनाने में ये काम में लिया जा सकता है। तो बस नाम पता होना चाहिए यहाँ पर आपको, ऐसे फूड के अंदर टॉपिक्स के अंदर बहुत बार सिर्फ उनके कीवर्ड के बारे में पता होना जरूरी है। अब आपको कहीं पर ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है टेबल बटर, कहीं पर आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है टेबल बटर, तो टेबल वाटर का मतलब हम पहले ही कह चुके हैं, टेबल वाटर का मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है भाई, ध्यान रखना जब भी टेबल वाटर लिखा हुआ है तो इसकी बात हो रही है विथाउट राइपनिंग, विथाउट राइपनिंग का मतलब जिसका फर्मेंटेशन नहीं हुआ हो, अनफर्मेंटेड है जिसके बारे, जिसका कोई किसी तरह का फर्मेंटेशन नहीं हुआ, अनफर्मेंटेड जो बटर होता है वो आपका कैसा होता है, विथाउट राइपनिंग, या आपका कैसा हो सकता है विथ राइपनिंग, दोनों तरह के बटर को आप क्या कह सकते हो, फर्मेंटेड और अनफर्मेंटेड बटर को आप टेबल बटर की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, येलो सा। तो एक चीज तो ये हो गई, और इसी तरह से यहां पर क्या हो सकता है, इसके अंदर टेबल बटर में कोई प्रिजर्वेटिव जो आप बाजार से खरीद के लाते हो ना, हाँ एक पैक छोटा सा पैकेट आता है अमूल के, इनके छोटे से पैकेट वगैरह आते हैं, तो वो कौन से बटर होते हैं, वो आपके टेबल बटर की कैटेगरी के होते हैं, वो राइपन भी हो सकते हैं और बिना राइपन कैटेगरी के भी हो सकते हैं, उनमें कोई ना कोई सॉल्ट ऐड किया हो सकता है, या उसमें कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव डला हुआ भी हो सकता है। तो जो आप खरीद के लाते हो वो कौन सा बटर हुआ आपका, टेबल बटर की कैटेगरी का हो गया। इसी तरह से आपको एक नाम और लिखा हुआ मिल जाएगा कहीं पर, आप जैसे लिखोगे वाइट बटर, वाइट बटर, तो अगेन वही बात है कि ऐसे नाम देख के कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसमें कोई तरह का कोई कलरिंग मैटर नहीं डला हुआ है, कोई किसी तरह का कलर नहीं डला हुआ है, किसी तरह का वाइट बटर में कोई तरह का कोई सॉल्ट नहीं डला हुआ है, कोई किसी तरह का बाहर से कोई फ्लेवरिंग एजेंट नहीं डला हुआ है। तो ऐसा बटर तो कौन सा, अपना घर वाला जो मम्मी ने बनाया है ना, मम्मी ने बनाया वो वाला घी हुआ है, ऐसा तो बटर, ऐसा बटर तो वही है जिसमें ना कोई कलरिंग, ना कोई साल्ट, ना कोई फ्लेवरिंग और ना कोई राइपनिंग, विथाउट राइपनिंग। तो अपने घर वाले बटर को क्या बोल सकते हैं, वाइट बटर और स्वीट क्रीम बटर, ये बोला जा सकता है। और बाजार वाले को क्या बोल सकते हो आप, टेबल क्रीम, सॉरी टेबल बटर आप उसको बोल सकते हो, क्योंकि वो राइपन भी हो सकता है और बिना राइपन वाला भी हो सकता है, और उसमें प्रिजर्वेटिव डले हुए आते हैं। क्या डला हुआ आता है, प्रिजर्वेटिव डाला हुआ आता है, या कोई ना कोई साल्ट ऐड किया हुआ आता है।
हम अपनी आगे की क्लास में जिस तरह से हमने बटर को पढ़ा है, थोड़ा सा हम घी के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम क्रीम के टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। और भी तो प्रोडक्ट होते हैं आपके, चीज़ होता है, पनीर होते हैं, इन सब के बारे में भी हमको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। देखिए आज की क्लास में हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए, कि फूड एडिटिव्स। अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर के पुराने पेपर्स को आप उठा के देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चंस आपको फूड एडिटिव्स टॉपिक में से भी मिल जाते हैं। और दूसरा, इस टॉपिक को पढ़ने की अपने आप में एक बड़ी इम्पोर्टेंस भी है, क्योंकि हम बाज़ार से जब बहुत सारे फूड प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो जब हम फूड प्रोडक्ट की जब पैकेजिंग के ऊपर जब हम लेबल को पढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसे कुछ केमिकल्स का नाम लिखा हुआ आता है या उसके अंदर जो कंटेंट के नाम लिखे हुए आते हैं, तो वो एटलीस्ट हमको समझ में आना चाहिए कि उन कंपोनेंट्स को उस फूड प्रोडक्ट में डालने का क्या पर्पज हो सकता है ना, और उस कंपोनेंट को डालने की क्या इम्पोर्टेंस है। बराबर बात है। तो फूड एडिटिव्स के लिए हमको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, कि किस किस तरह के फूड के अंदर एडिटिव्स डाले जा सकते हैं। सही बात है, किस किस तरह के फूड के अंदर एडिटिव्स। बढ़ा दिया।